चलें क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर अपन लेके चले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग। बिकॉज पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको ये ध्यान रखते हुए। एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एक्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, फाइंड एक्स। मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे देखना चाहूंगा, पता नहीं क्यों, तो इसकी एक पूरा ब्रैकेट बना लूंगा और इसको अलग लूंगा। सर कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस टू, अगर मैं ए बोलूं एक्स इंटू टू है, टू ए बी प्लस टू ए का होल स्क्वायर दिख रहा है यहां तक। सर बात तो सही है, मतलब कहीं ना कहीं सर ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है, और सर ये तो बी स्क्वायर अलग से ही है। मैंने बोला हाँ यार ये अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। एक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर माइनस कितना, अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज वॉट बी स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तुम बताओ ए तुम्हारे पास क्या है, एक्स माइनस टू है प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू है माइनस बी इक्वल टू कितना, जीरो। सर क्या क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा अगर आप चेक करो तो सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या तो x माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, या तो x माइनस टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो है। तो इन दैट सेंस अगर मैं तुमसे बात करूं तो x इज इक्वल टू कितना, टू ए माइनस बी, और x इज इक्वल टू कितना, टू ए प्लस बी। अगर मैं अच्छे से बात करूं और आराम से बात करूं तो क्या सर ये पर्टिकुलर चीज हो गई, मैंने बोला हाँ यार ये कहीं ना कहीं अगर मैं अच्छे से लेके चलूं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, सोचने समझने का नजरिया अच्छा था इस क्वेश्चन को। सर एक और क्वेश्चन देखें क्या, मैंने बोला हाँ ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ पहले आपको, मजा आएगा, यू विल लव इट। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चेक कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर फोर माइनस बी की पावर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन की दोस्तों क्या है चाल, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन की चाल, उसने जानबूझ के यहाँ पे ब्रैकेट बना के दिया, इस ब्रैकेट को हमको तोड़ के अलग करना है। सर आप क्या बताना चाहते हैं, इसको ऐसा लिखो, तुम इसको है ना ये इसको लिखो आप 2x का होल स्क्वायर, अच्छी बात है, माइनस इसको लिख दो 2 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर, चेक कर लो ये 4a स्क्वायर x हो रहा है कि प्लस। अब इस ए की पावर फोर को बोलूंगा तू बाहर आ जा भाई, ए की पावर फोर को मतलब इधर ए की पावर फोर, और माइनस बी की पावर फोर, तू भाई तू दूर रहे। अब देखो जरा क्या ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है, तो कहीं ना कहीं सर ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इस पर्टिकुलर का मतलब ही क्या है, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बी क्या है, ए स्क्वायर ही है ना, तो बी स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। सर मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया क्या, 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको अपन बोल सकते हैं क्या, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर ये पूरा क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो गया बी स्क्वायर, सही है क्या। अब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तुम बताओ, सर वो होता है ए प्लस बी, और फिर दूसरा क्या होता है a माइनस बी। तो सर आपके पास a क्या है, a है अपने पास दोस्तों 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या फिर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। सर ये क्या था आपके पास a प्लस बी, और जो आपने ये निकाला वो क्या है आपके पास a माइनस बी, दिस इज a एंड दिस इज व्हाट b, a माइनस, ठीक है। तो सर ऐसे में फिर आपका वैल्यू क्या आई, मतलब देखिए यार बच्चे अगर देखो वैल्यू के बारे में बात करनी है ना,
अच्छे से और आराम से तुम उससे ऐसी बात कर कुछ कि यहाँ पे तेरे पास x की वैल्यू, यहां से देख तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से तेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू, और अगर तुम यहां से देखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के, एग्जाम्पलर लेवल के, आरडी लेवल के, ट्राई करो। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मजेदार क्वेश्चन है ध्यान रखिए, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इज टू, फाइंड अदर रूट, फाइंड अदर रूट। अब उन्होंने बोला एक रूट टू है, देखो दो रूट होते हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, तो मान लो अल्फा इज इक्वल टू टू, बीटा इज इक्वल टू, नहीं पता हमको नहीं, लेकिन एक बात है जो भी रूट होते हैं वो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हाँ तो रूट ऑलवेज, रूट ऑलवेज क्या करते हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशन, रूट ऑलवेज सेटिस्फाई द, क्या ये बात सच है दोस्तों, बताओ क्या रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर मैं एक्स की जगह पे टू पुट कर दूं तो क्या के आ जाएगा, टू इंटू टू का स्क्वायर, मतलब मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, टू प्लस टू के माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो, तो टू का स्क्वायर कितना हुआ, फोर इंटू टू एट प्लस टू के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो शायद मेरे ख्याल से टू के प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो 2k is equal to कितना आ जाएगा माइनस टू, और k is equal to कितना आ जाएगा माइनस वन। अब अगर k is equal to तुम्हारे पास माइनस वन आ गया तो अब क्या कर, ना देखना यार k is equal to माइनस वन आ गया तो 2x² k की जगह पुट कर दे माइनस वन, माइनस वन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना, अब सोचना ये पड़ेगा 2 इंटू माइनस सिक्स कितना होता है, माइनस ट्वेल्व, तो सर इसको स्प्लिट करना है कि इसमें क्या आ जाए माइनस ट्वेल्व, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2x² माइनस 4x प्लस 3x, मतलब आपने 1 को स्प्लिट करा माइनस 4 और 3 में, आपने 1 को क्या स्प्लिट करा माइनस 4 और 3 में, तो 2x ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x माइनस, क्या बोलते हो, तो सर इसका मतलब इसके रूट्स क्या आ गए 2x प्लस 3 और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक रूट कितना हो गया माइनस थ्री बाय टू, और एक रूट कितना हो गया, सर देखो टू तो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था तो इनको चाहिए था दूसरा रूट, बताओ दूसरा रूट कितना आ गया माइनस थ्री बाय टू, दूसरा रूट कितना आ गया माइनस थ्री बाय टू। ध्यान रखना पड़ेगा यहां से आपकी स्टेप वन शुरू हुई, आपने यहां से के की क्या निकाली वैल्यू, फिर सर एक बार के की वैल्यू निकाल के की वैल्यू अपन ने क्या करी पुट करी, सर क्वेश्चन का मजा किस तरफ है, तो दोस्तों क्वेश्चन का मजा इस तरफ है कि आपने पहले k की वैल्यू निकाली जो कि कितनी आई k इज इक्वल टू कितना माइनस वन, k इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर आपने k की वैल्यू ऐसे पुट करी जहां से आपका दूसरा टांडव दूसरी स्टेप शुरू हुई कि आपने यहां से क्या करा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आराम से करो क्वेश्चन को, लिखो IMT और एग्जाम टाइप, फिर अपन आगे बात करें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट, साथ में लिखते हैं ना, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, when 36 is added to the number the digits get reversed, find the number, when 36 is added to the number the digits gets reversed, find the number। अब अगर सर अपन बात करें
और सिस्टमेटिक बात करें तो कोई भी 2 डिजिट नंबर क्या होता है, एक यूनिट्स प्लेस पर नंबर होता है और एक टेंस प्लेस पर नंबर। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक नंबर है 72 मान लो, तो ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट्स प्लेस पे। और ये कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। अब अगर मैं बोलूँ यूनिट्स प्लेस वाले को मान लें कितना एक्स और टेंस प्लेस को कितना मान लें वाई, तो हमेशा इस नंबर को तुम लिखोगे ऐसे लिखोगे क्या 7 × 10 + 2 × 1 ओके ना। तो जो ओरिजिनल नंबर लिखवाएगा वो किसे लिखवाएगा? अगर आपका टेंस प्लेस पे वाई है और यूनिट्स प्लेस पे क्या है एक्स, तब उसको लिखोगे कितना 10 × y + x × 1। दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ये आपका क्या बन जाएगा? ओरिजिनल नंबर, सही है ना। जो टेंस प्लेस वाला है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। और जो वंस प्लेस वाला है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर बन गया वो दोस्तों क्या बन गया? 10y + x। 10y + सर इसको उल्टा कर दे तो 72 को 27 कर दे तो इसका मतलब जो पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ था? 1 से। अब वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। और जो पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा किससे होगा? 1 से। सर इसका मतलब अगर आप रिवर्स नंबर बोलना चाहते तो रिवर्स नंबर बच्चों को समझना पड़ेगा, वो हो जाएगा 10 × y की 10 × x। 10 × x प्लस कितना? y × 1। सर ये कौन सा नंबर हो गया? रिवर्स नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया दोस्तों? रिवर्स नंबर। तो सर नाउ दिस इज ओरिजिनल नंबर, दिस इज व्हाट? रिवर्स। तो एक नंबर कौन सा है आपके पास? ओरिजिनल। और एक नंबर आपके पास क्या है? रिवर्स। एक ओरिजिनल है और एक क्या है? चलें क्या दोस्तों, अब अगर अपन यहाँ पे बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 12 है, मतलब x × y कितना है? 12। वाओ, एक बात तो ये। सेकंड उन्होंने बोला है कि व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, मतलब जब ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड होगा? ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड होगा? 36। तो नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स। जब ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड होगा 36, तो नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स। गॉट इट क्या? कि सर जब ओरिजिनल नंबर में ऐड होगा 36 तो नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा? रिवर्स। सही है क्या? तो अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो हम क्या करना चाहते हैं जैसे और आराम से इसे देखो ना, अगर आप ये सब समझाना भी चाहते हो तो गेम को आगे बढ़ाते हैं अपन किस प्रकार से। ओरिजिनल नंबर था कितना? ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y + x + 36 = रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर क्या है? 10x + कितना y। तो सर दिस इज द ओरिजिनल नंबर, तो आपने ओरिजिनल नंबर में जो आपका क्या था ओरिजिनल नंबर उसमें क्या ऐड कर दिया? = कौन सा नंबर? रिवर्स नंबर। गॉट इट क्या? अब सर अगर अपन बात करें अच्छे से और आराम से तो ओरिजिनल नंबर प्लस 36 इज इक्वल टू कितना? रिवर्स नंबर। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं, ये वाई जाएगा उस तरफ, ये एक्स भी आता है उस तरफ, ये सब इस तरफ लुकिंग भी कर लो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 36 इज इक्वल टू 10x में से कितना गया? एक्स। कितना बच गया? 9x। वाई में से कितना जाएगा? 10y। तो कितना बचेगा? 9y। सही है क्या? तो अगर सर आप ईमानदारी से देखो तो 9 ब्रैकेट में x - y इज इक्वल टू कितना? 36। तो शायद ये 9 1 जा और ये कितना हो गया? 4। इन शॉर्ट x - y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। x - y इज इक्वल टू कितना आ गया? या मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू कितना? y + 4। x इक्वल टू कितना? y + 4। गॉट इट? सर देखो क्वेश्चन को समझना हो तो ये आपकी स्टेप 1 चल रही है। हमेशा ध्यान रखना ओरिजिनल नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 10y + x। रिवर्स नंबर हमेशा क्या रहेगा? 10x + y। सर यहाँ पे आपकी ये स्टेप 2 थी जहाँ पे आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना है? 12। तो xy इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। फिर ये आपकी स्टेप 3 थी जिसमें आपने लिखा कि ओरिजिनल नंबर में आपने क्या प्लस कर दिया? 36। तो ओरिजिनल नंबर प्लस 36 इज इक्वल टू व्हाट? रिवर्स नंबर। इसका मतलब 10y + x + 36 इज इक्वल टू व्हाट? रिवर्स नंबर। तो इसका मतलब आपने इसको उधर भेज दिया x को और y को। सर यहाँ पे आपकी स्टेप 4 हो गई
स्टेप फोर का मतलब क्या हुआ, जहां पे आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस फोर, x इक्वल टू कितना आ गया। सर अब फिनाले चलाएं क्या, मैंने बोला हाँ चलाते हैं फिनाले। सर फिनाले में क्या है, अब मुझे बताओ एक तरफ तुम क्या बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू कितना है, y प्लस फोर, और एक तरफ तुम क्या बोल रहे हो x y इज इक्वल टू कितना है, 12। तो क्या इस वाली इक्वेशन में मैं x की जगह पे लिख दूं क्या, y प्लस फोर इंटू y इज इक्वल टू कितना, 12, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू कितनी है, y प्लस फोर। तो अगर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस 12 इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको स्प्लिट करना है कि 12 आ जाए, y स्क्वायर प्लस कितना 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू कितना, तो y ब्रैकेट में आ जाएगा तो हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर y 2 है तो बताओ x कितना होगा, y 2 है खुद बताओ, y अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा, 6, हाँ कि ना, तो नंबर क्या होगा 62 की 26, सोचो ओरिजिनल नंबर होगा 26, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, क्योंकि 10y प्लस x है ना, तो आपका जो नंबर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 26 कौन सा नंबर आ जाएगा, और 26 में जब 36 ऐड करोगे, 36 क्या करोगे, तो क्या 62 आ जाएगा, हाँ कि ना। सर देखो क्वेश्चन तो काफी अच्छा था, मैं बच्चों को बोलूंगा ज्यादा डिफिकल्ट ना जाते हुए अपन गेम को ऐसे करते हैं कि पहले स्टेप वन पूरी क्लियर करो, जिन स्टेप वन क्लियर हो जाए तो चैट में टाइप करना वन, क्या टाइप करना वन, इस प्रकार से है दोस्तों, इसको अपन मजे से लेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में अपने आप में एक चाल छिपी हुई है, जहां उस चाल को तोड़ेंगे वहां अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू कितना, 0। अब सर अगर हम आपसे बात करें तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। सर आपने क्या करा, मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को खोल लिया, बी स्क्वायर एक्स और ए सी एक्स। सर ऐसे क्वेश्चन में आपकी चाल क्या है, अरे सुनना यार मजा आएगा तेरे को, चाल सुनने में मजा आएगा। अगर मैं तेको बोलूं इन दोनों की जोड़ी बनाए तो मैनू 10 कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों की जोड़ी, सर एक तो बी कॉमन आ रहा है और एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, मतलब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बी कॉमन आ गया और एक एक्स चला गया, तो ए एक्स बच गया प्लस कितना बच गया, बी। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, बता ब्रैकेट में क्या बच गया, वाव सर, मतलब बी एक्स माइनस सी और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी बाय बी, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो, और अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाय ए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी बाय बी या माइनस बी बाय, सर मतलब ब्रैकेट को ओपन करना था और गेम क्लास था, हाँ लेकिन ये क्वेश्चन है ना दूर से देखते हो डराता है, एक्चुअली डरावना है नहीं वो, लेकिन जब आप ऐसे फिगर देखते हो ना और जब आपको लगता है कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगता है क्या हो रहा है, ठीक है क्या, एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके पास थोड़ा सा ऐसा ही है, देखते कितने बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाते हैं मजे से, तो सर ठीक है ना, अगर अपने को लेना ही है अच्छा क्वेश्चन तो लेने की कोशिश करते हैं। तो लो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके पास, देखिएगा जरा अच्छे से और आराम से लिखो क्वेश्चन। p square x square प्लस p square माइनस q square x माइनस q square इज इक्वल टू कितना। अभी सर p square x square इस ब्रैकेट को खोल लूं तो क्या आ जाएगा,
पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर जीरो। सर अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जाए ना तो पी स्क्वायर और एक्स कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है एक्स प्लस कितना वन, और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकला जाए ना तो आ रहा है क्यू स्क्वायर, और अगर अपन बात करें माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना जाएगा एक्स प्लस वन। तो सर यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना। अब अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना। तो सर ऐसे में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। सर क्या बात है, मैंने बोला हाँ यार बात तो कुछ ऐसी ही है कि या तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी q स्क्वायर बाय p स्क्वायर और या तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। वॉट इट सर, क्वेश्चन उसी लय का था, मैंने बोला हाँ क्वेश्चन उसी लय का था, आपको समझाना जरूरी था और अच्छा क्वेश्चन लगा इसीलिए इसको कराया। चलो सर अगर आपकी ही बात माने तो और भी क्वेश्चन करा दो। चले अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड की इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसमें आप कौन सी कैसे क्वेश्चन दे रहे हो, मतलब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अभी देखिए यहाँ पे तेरे पास ए इज इक्वल टू कितना है के, बी इज इक्वल टू कितना है माइनस फाइव और सी इज इक्वल टू कितना है के। जब इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं ना दोस्तों, जो डी होता है, डी मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो इक्वल टू क्या होता है जीरो, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है फोर ए सी। इस बात को हम याद करके चलेंगे, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है फोर ए सी। बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, बताओ ए कितना है तुम्हारे पास के, सी भी कितना है आपके पास के, तो कैन वी से 25 इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर, या अलाउ कर दो मैं फोर को नीचे भेज दूं तो वी कैन से 25 by 4 is equal to what? K square. या K is equal to what? 5 by 2. K is equal to what? 5 by 2 plus minus 5 by 2. चेक करो समझ में आ जाए तो चैट में वाय बोल देना दोस्तों, क्वेश्चन काफी काम का है। तो अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा जरा, यू विल लव इट। इफ 2 is the root of equation, if 2 is root of equation 3x square plus px minus 8 equal to 0 and quadratic equation, ये बहुत प्यारा question है, and quadratic equation 4x square minus 2px 4 square minus 2px plus k has equal root. Find p and k. अभी देखो मुझे एक बात बोला कि उन्होंने बोला 2 इस इक्वेशन का रूट, 2 इस इक्वेशन का क्या है रूट, का मतलब मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो सर आप x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो 2, मैं x की जगह पे पुट क्या कर रहा हूं 2, 3 into 2 का स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 12 प्लस पी एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, शायद पी एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, सॉरी पी की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, अरे एक्स की वैल्यू कितनी है तो 2p इज इक्वल टू कितना बोलो माइनस 4 और p इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2, 12 माइनस 8 कितना आया था 4, अरे 12 माइनस 8 कितना आया था 4, 4 हो जाएगा तो माइनस 4, तो सर p की वैल्यू तो माइनस 2 आ गई। अब क्या करें, अब कर तू मजा,
क्या कैसे मजा करें, ये ले देख जरा, मैं लिख रहा हूं 4x² - 2, पी की वैल्यू कितनी आई, -2 प्लस के इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बोलना चाह रहा है इसके रूट्स क्या है, इक्वल, तो 4x² + 4x + k इक्वल टू कितना, 0। ऐसे केस में तेरा a कितना है 4, b कितना है 4, c कितना है k। अगर रूट्स इक्वल हैं तो बताओ b² = क्या होगा, 4ac। अरे रूट्स इक्वल हैं तो b² = क्या हो जाएगा, 4ac। अब बता b का मतलब क्या है, 4² = 4। बता a कितना है, 4, c ये रहा, तो कहीं ना कहीं 16c = कितना, 16c मतलब 16k = 16, k = कितना आ गया, 1। c का मतलब ही क्या था, k था ना, मैंने c की जगह पे क्या लिख दिया, k,